हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव और स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए रागा के सेशन से जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे यहाँ पे 200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन के लिए आपकी चार वीडियो रहेंगी जो कि आपको कल शाम तक अपलोड कर दी जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो अभी, एक सुबह और एक दोपहर में और एक शाम को आपके पास भेज दी जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश का जो भी समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसमें सारी इंग्लिश की प्रत्येक टॉपिक का एक प्रैक्टिस सेट पूरा कराया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा उसका सेट चल रहा है तो उसे भी आप लगा सकते हैं, जिसमें मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आज के जीके के क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, ऑस्कर पुरस्कार डेस्क के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑस्कर पुरस्कार आपका दिया जाता है वो आपका दिया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है कि के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं, तो ये आपके सिनेमा में, ठीक है, सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार आपके सिनेमा में, ठीक है, योगदान जो करते हैं उसके लिए दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स करोगे इसे। और जो वित्त मंत्री नहीं रहा कभी भारत का, वो है ऑप्शन डी, श्री कमलनाथ, ठीक है। देखिए आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री, ठीक है, रह चुके हैं, श्री पी चिदंबरम भी रह चुके हैं, और जो आपके श्री यशवंत सिन्हा भी आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो श्री कमलनाथ हैं वह कभी भी वित्त मंत्री नहीं रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपका, बी दिल्ली, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, गोल्फ। देखिए जो आपका जीव मिल्खा सिंह है वो आपके गोल्फ से संबंधित हैं, और केवल जो मिल्खा सिंह है, ठीक है, वो ओलंपिक पदक जीते हुए हैं, और उन्होंने रनिंग में, ठीक है, 400 मीटर की रनिंग में आप उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन है कि भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, यानी कि केरल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मलयालम, ठीक है। मलयालम भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मलयालम, ठीक है। लेकिन देखिए तेलुगु भाषा है वो कहाँ पे बोली जाती है, गुजरात में, मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा केरल प्रदेश में मलयालम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो छठे का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी, टोक्यो, ठीक है। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, टोक्यो में। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है, तो सेवेंथ क्वेश्चन, और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी, केरल, ठीक है। भारत में जो साक्षरता दर अधिक है, सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है आपका। एट्थ क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो सशस्त्र सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वह हैं भारत के राष्ट्रपति, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, ठीक है। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे सही हो जाएगा, राकेश शर्मा, कौन से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, राकेश शर्मा, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है, तो टेंथ का यहाँ पे होम मिनिस्टर कौन है, अभी आपको पता होना चाहिए, श्री राजनाथ सिंह आपके होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, इलेवेंथ क्वेश्चन, और इसका सही आंसर होगा डी, नर्मदा नदी से अमरकंटक का, ठीक है, उद्गम होता है। अमरकंटक का जो उद्गम होता है वह आपका नर्मदा नदी से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12 क्वेश्चन की, कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो वो है आपकी मैकमोहर रेखा, भारत और चीन को विभाजित करती है। और देखिए जो आपकी रेड क्लिप है वो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, जो आपकी रेड क्लिप रेखा है, ठीक है, रेड क्लिप लाइन जो है आपकी वो इंडिया और पाक को विभाजित करती है, किसको, इंडिया और पाक को आपकी रेड क्लिप रेखा विभाजित करती है यहाँ पे। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखेंगे। भारत और चीन की बात की जाती है तो मैकमोहन, अगर बात की जाती है भारत और पाकिस्तान की तो, ठीक है, कौन सी है, रेड क्लिप लाइन, ठीक है।
अब 12 13 क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो 13 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है आपका, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है सी, असम। यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देखिए टेस्ट भी लगाइएगा, आप जितना स्कोर कर पा रहे हैं वो कमेंट सेशन में शेयर कर दिया करें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको अपनी रैंकिंग का पता पड़ सकेगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है जीएस की वो किस लेवल की चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो जो अर्जुन अवार्ड आपका दिया जाता है वो दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है किसके लिए? विशिष्ट खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है वो? अर्जुन अवार्ड। ठीक है, 17 क्वेश्चन है आपका, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? तो 17 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। ठीक है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? श्रीनगर आपका कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। 18 क्वेश्चन आता है आपका, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो 18 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नॉर्वे। ठीक है, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो नॉर्वे को आपका मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। 19 क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से ये आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स करो। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में आपके चिल्का झील स्थित है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है, और मीठे पानी की फ्रेंड जो भारत की झील है वो है बूलर झील, और वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील है आपकी, और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इससे भी याद कर लें कि बूलर झील कहाँ पे आपकी? जम्मू कश्मीर में, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, मिजोरम की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी, आपको सारी राजधानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है आपकी? आइजोल है। ठीक है, देखिए जो इम्फाल आपकी राजधानी है वो है आपकी मणिपुर की। किसकी है? मणिपुर की आपकी जो राजधानी है वो आपकी इम्फाल है। ठीक है, क्या है? इम्फाल आपकी मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22, ठीक है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ठीक है, तो ये जो आपका नृत्य है वो है आपका असम। असम का जो राज्य का परंपरागत नृत्य है वो कौन सा है? बिहू आपका असम राज्य का परंपरागत नृत्य है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है आपका, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है? तो 23 क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, थेम्स। लंदन आपका थेम्स नदी के किनारे स्थापित है। ठीक है, कहाँ पे स्थापित है? थेम्स नदी के किनारे जो आपका लंदन शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो 24 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देखिए आपका दूरी दिशा लंबाई, यानी कि जो ऑप्शन ए बी सी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों को खोजने में नक्शे का यूज किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है आपको पूछा गया है। ठीक है, दोबारा से, तो ये आपको मैंने अभी कराया था, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब बात कर लेते हैं आप यहाँ पे 26 क्वेश्चन, यहाँ की फर्स्ट दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ से शुरू होता है, तो देखो इसे लगाइएगा आप अच्छे से, तभी आपको चार वीडियो मिलेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे उसमें, क्योंकि इसमें आपका पूछा गया है कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? तो दूसरे का यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सी, 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस आपका किस नदी के किनारे स्थित है?
सीन नदी के किनारे आपका पेरिस स्थित है, ठीक है, बहुत बार करा चुका हूँ, इम्पोर्टेंट्स मार्क करिएगा, ठीक है। लंदन पेरिस आपके पूछ लिए जाते हैं। लंदन आपका थेम्स नदी के किनारे स्थित है और जो पेरिस है आपका वो सीन नदी के किनारे स्थित है, इम्पोर्टेंट्स मार्क करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, नेशनल बेटिकन गार्डन किस शहर में स्थित है। तो जो आपका फोर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेशनल बेटिकन गार्डन इनमें से कोई नहीं इस, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आता है, NIHI क्या है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सीफ स्वाइन फ्लू, ठीक है। NIHI क्या है आपका, स्वाइन फ्लू है। छठा क्वेश्चन आता है आपका, भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई डैश डैश के द्वारा की जाती है। तो छठे का यहाँ पे सही आंसर होगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। जो भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी की छपाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ठीक है। सेवन या यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एट क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान किसने दिया। देखिए आपके चार ऑप्शन है, विवेकानंद ने दिया या राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट। तो यहाँ पे उन्मूलन में अभूतपूर्व जो योगदान दिया था वह दिया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा, अभूतपूर्व। लेकिन अगर यहाँ पे राजा राम मोहन राय नहीं होता तो ठीक है, दयानंद सरस्वती भी आपका सही होता, क्योंकि सती प्रथा के उन्मूलन में इनका भी बहुमूल्य योगदान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाता अगर राजा राम मोहन राय नहीं होता तो, लेकिन दोनों अगर बी आपने किया है तो ठीक है, बी यहाँ पे एग्जैक्टली सही बैठता है, यानी कि राजा राम मोहन राय। नाइन्थ क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग IPL भारत में के खेल को प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे जो होगा नाइन का सही आंसर होगा इसका होगा आपका डी, ठीक है, फुटबॉल के लिए, यानी IPL नहीं है ये ISL है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग, ये आपका फुटबॉल के लिए दिया जाता है। लेकिन जो IPL होता है, लीग होती है IPL, वो क्रिकेट के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे इंडियन सुपर लीग है तो वो आपकी फुटबॉल के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम नाइन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। देखिए टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, कौन थी, बछेंद्री पाल यहाँ पे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है। अगर देखिए दो लगातार दो बार भारत, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला पूछ ली जाती तो कौन थी वो, संतोष यादव, कौन थी, संतोष यादव, ठीक है। लगातार माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव। लेकिन अगर पहली भारत की पहली महिला पूछ ली जाती है तो यहाँ पे 10 का सी होगा, यानी कि बछेंद्री पाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया हो दोनों आपको बता दिए, ठीक है, कोई भी आपका एक पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे। 11th का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट थॉमस, ठीक है। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे, सेंट थॉमस आपके भारत आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे। अब 12th क्वेश्चन आपका यहाँ पे अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि देखिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की गई। करंट का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली में यह लागू की गई थी 2016 में, जो कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक ऑड इवन पॉलिसी थी, ठीक है। तो देखिए करंट का क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा तो नहीं आएगा इतने दूर का, बट इसमें ये प्रीवियस ईयर है तो ये पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने इंक्लूड किया हुआ है। 13th क्वेश्चन है ये आपका, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है। तो 13th का यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, वर्तमान के जो फारस है उसे ईरान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ईरान के नाम से जाना जाता है। 14th क्वेश्चन, मद्रास का युद्ध कब हुआ था। तो 14th का सही आंसर होगा सी, 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध हुआ था। 15th क्वेश्चन, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। तो 15वें का सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सी आंध्र प्रदेश आपका वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। 16th क्वेश्चन है आपका, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 16 में का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी,
1950 में आपका भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नई आयोग की स्थापना की गई? तो 17 में का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग की स्थापना की गई। भारत में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 से एक नए आयोग, ठीक है, नीति आयोग की घोषणा की गई थी, ठीक है। और देखिए नीति आयोग के यहाँ पे आपको उपाध्यक्ष पूछ लिए आते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है अभी, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसका फ्रेंड्स अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं अभी आपके राजीव कुमार, इसके नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष है। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। और ये योजना आयोग को भंग कर कर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन आता है आपका कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? भारत रत्न यहाँ पे प्रदान किया गया था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में ये स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो अंग्रेजी समाचार पत्र आपका कौन सा है? यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आपका अंग्रेजी समाचार पत्र है। कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया आपका भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 21 क्वेश्चन आता है आपका, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 21 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 1950 में आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। अब देखिए 1961 में, ठीक है, 1950 बोल दिया मैंने, जो आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था वो 21 का यहाँ पे सही आंसर होगा बी, 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन आता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या क्या है? 22 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 7। 23 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो 23 का यहाँ पे सही आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? 24 का सही आंसर होगा बी, लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को यहाँ पे नमक की नदी कहा जाता है, ठीक है। नमक की नदी किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन सही होगा, लूनी नदी को। 25 क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो 25 का सही आंसर होगा बी, वैशाली आपका भगवान महावीर का जन्म स्थान है। कहाँ पे है? वैशाली, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कवर किए 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इसके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 3 इसके बचते हैं, तो 3 पार्ट में आपको नेक्स्ट एक एक करके दे दूंगा, ठीक है। तो आपको 3 दिन में ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारा स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स आप मेरी मेहनत पर एक यार शेयर तो कर ही सकते हैं, तो एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।